अस्सलाम वालेकुम ग्रेट सेकंड, हाउ आर यू ऑल? आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल आर सेफ एंड साउंड. ग्रेट सेकंड, दिस इज़ योर इंग्लिश यूनिट, इंग्लिश लेसन, एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद अ न्यू एंड अ वेरी क्यूट यूनिट जस्ट लाइक यू, विच इज़ यूनिट नंबर 5. सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स एंड अ पेंसिल सो यू कैन नोट डाउन द मीनिंग्स. ओपन योर इंग्लिश बुक्स एट पेज नंबर 21 एंड दिस इज़ यूनिट नंबर 5. ओके, एंड द टॉपिक इज मीगल हेल्प्स आउट. ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड इट फ्रॉम हेड टू टो फॉर यू एंड आफ्टर द रीडिंग वील कम टू द एक्सप्लेनेशन. Meagle was a goat. He had 3 sheep, Una, Olan, and Curly. Read it with me, come on. Una, Olan, and Curly. Una had a green mark on her back. Olan had a red mark on his back. Curly had lots of curls. The farmer put the sheep in the yard. The farmer cut the wool. The sheep were sad and cold. They had no wool. Poor Meagle was shocked. Where is Una? Where is Olan? Where is Curly? Suddenly, Meagle jumped over the fence. He ran to the yard. There was paint in the yard. Una ran to the green paint. Meagle put his hoof in the paint. He put a green mark on Una's back. Olan ran to the red paint. Meagle put his hoof in the paint. He put a red mark on Olan's back. Curly ran to the paint. What shall I do now? Said Meagle. He put a red mark and a green mark on Curly. Ba, said Una. Ba, said Olan. Ba, said Curly. Meagle was happy. Not bad at all, said Meagle. Okay? So, great second, this was very funny and this was very cute. So, what is this? This is the story of sheep and a goat. Who were friends? There was one goat and there were 3 sheep. Okay? What is the difference between a goat and a sheep? You see this animal, this is goat. Okay? And now you see this animal, this is a sheep. Okay? Sheep has a lot of hair, soft hair, और इट हैज़ वुल. ठीक है, जो आपकी वुल होती है जिसको ऊन कहते हैं, जिससे आपकी स्वेटर्स बनती हैं, आपके जो स्काफ बनते हैं, आपके कोट्स बनते हैं, वो वुल होता है. वो वुल कहाँ से बनता है? ये जो शीप के आप ये प्यारे प्यारे बाल देख रहे हैं ना, इससे बनते हैं वो. ठीक है, इसको शीप कहते हैं एंड दिस इज़ गोट. तो ये स्टोरी जो है ये गोट और शीप की स्टोरी है. अच्छा, मीगल was a goat. Meagle जो था, Meagle. इस goat का नाम क्या है? Meagle. ठीक है, he had 3 sheep. उसके पास 3 sheep थे. ठीक है, Meagle के 3 sheep थे. उनका नाम था, अच्छा वो friends थे सारे, Una, Olan and Curly. एक का नाम Una था, दूसरे का नाम Olan था और दूसरे का नाम Curly था. Una had a green mark on her back. बैक का मतलब पीछे कमर. ठीक है, ऊना हैड अ ग्रीन मार्क. ऊना की बैक पर ग्रीन कलर का मार्क लगा हुआ था. मार्क मीन्स ऐसे साइन होता है, क्योंकि अब एनिमल्स की शक्लें तो सेम होती हैं, अभी कैसे पता चलेगा कि ऊना कौन है? तो ऊना पर एक ग्रीन मार्क लगा हुआ था. जो भी ग्रीन मार्क को देखता था, ग्रीन पेंट को देखता, उसको पता चल जाता ये ऊना है. तो अब यहाँ पर ग्रीन पेंट किसके ऊपर लगा हुआ है? इसके ऊपर. तो ये कौन है? ये ऊना है. ओलान हैड अ रेड मार्क ऑन हिज बैक. ओलान जो था, ओलान की बैक पर, ओलान की कमर पर एक रेड मार्क था, उसके ऊपर रेड मार्क लगा हुआ था. ओके, कर्ली हैड लॉट्स ऑफ कर्ल्स. कर्ली जो थी, वो उसके बाल जो थे वो बहुत घुंघरियाले थे. ठीक है, वो बहुत कर्ली थी, इसीलिए उसको पता चल जाता कि ये कर्ली ही है, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले थे. ठीक है, घुंघराले मीन्स वो गोल गोल स्प्रिंग की तरह बाल जो होते हैं, जो डॉल के बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे.
ठीक है, तो ये तीन गोट्स थी उनके पास. द फार्मर पुट द शीप इन द यार्ड. यार्ड मीन्स जो सहन होता है, जो खुली जगह होती है, ठीक है. फार्मर मीन्स किसान, वो इंसान जो कि हमारे लिए फूड उगाता है और हमारे एनिमल्स को हमारे लिए एनिमल्स जो लाइफ स्टॉक होता है, बकरियां, भेड़ें और ये क्या होता है, काऊ, भैंस, इन सबको पालता है और जो हमें दूध और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसको फार्मर कहते हैं. तो जो फार्मर था, किसान जो था, पुट, उसने रख दिए द शीप, इन शीप्स को, ये जो प्यारे प्यारे शीप हैं, इन द यार्ड, उनको सहन में रख दिया. द फार्मर कट द वूल. ओह, दिस इज़ सो सैड. हमारे लिए फार्मर ने क्या किया, उससे वूल काट लिया, जो शीप के बाल होते हैं वो काट लिए उससे, क्योंकि हमें ऊन की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो उससे बाल काट के हमारे लिए वूल बना के वो हमें दे देते हैं. तो फार्मर कट द वूल, फार्मर ने उनका वूल काट लिया. तो जब उनका वूल कट गया, तो उनके ऊपर वो जो मार्क लगा हुआ था, रेड और ग्रीन और वो सारा, वो अब पता कैसे चलेगा. ओ, अब पता कैसे चलेगा ओलान कौन है, पता कैसे चलेगा कि ऊना कौन है, पता कैसे चलेगा कि करली कौन है. ये जो वूल है, ये इस तरह से हटाते हैं. यू कैन सी दैट हियर. द शीप वर सैड. वो जो शीप थे वो खफा हो गए थे, क्योंकि उनके बाल काट दिए, उनको गंजा कर दिया. एंड कोल्ड, और उनको ठंड भी लग रही थी. ओके, कोल्ड मीन्स ठंड लगना, सैड मीन्स खफा होना. तो जो शीप थे वो खफा थे और वो ठंडे हो गए थे. दे हैड नो वूल. उनके पास जो उनके बाल थे वो नहीं बचे थे, ठीक है, उनके पास वूल नहीं थी अब. पुअर मीगल वॉज शॉक्ड. वो जो मीगल थी, जब उसने ये सब देखा तो उसको शॉक लग गया, वो हैरान हो गई, वो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया है. ओके, शॉक मीन्स सरप्राइज होना, धचका लगना. मीगल जो था उसको धचका लग गया, क्योंकि वो परेशान हो गया था कि पता नहीं अब इनमें से ऊना कौन है, मीगल को, वो ऊना कौन है, ओलान कौन है और करली कौन है, क्योंकि सबके वूल तो चले गए थे. वेयर इज़ ऊना, ऊना कहाँ है. वेयर इज़ ओलान, ओलान कहाँ है. वेयर इज़ करली, करली कहाँ है. सडनली, अचानक से, मीगल जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस जो वो छोटी सी बाड़ होती है, आधी दीवार सी होती है, जो कि एनिमल्स को बाहर जाने से रोकती है, जिसको आप जंगला भी कहते हो इन पश्तो. तो वो जो मीगल थी, उसने फेंस के ऊपर से छलांग लगाई, उसने बाड़ के ऊपर से छलांग लगा के वो भी बाहर सहन में चली गई. जंप मीन्स कूद जाना. फेंस, वो जो छोटी सी दीवार होती है. ही रैन टू द यार्ड. वो सहन की तरफ भागा. रैन मीन्स रन, यार्ड मीन्स सहन. वो सहन की तरफ भागा. देयर वॉज पेंट इन द यार्ड. सहन में पेंट पड़ा हुआ था, कलर्स पड़े हुए थे. ऊना रैन टू द ग्रीन पेंट. ऊना जो थी वो ग्रीन पेंट की तरफ चली गई. तो वो सहन की तरफ भागी, सहन में पेंट पड़ा हुआ था. तो ऊना जो थी, ऊना रैन, ऊना भागी टू द ग्रीन पेंट. ऊना के ऊपर ग्रीन पेंट था, तो ऊना को पता था कि मेरे ऊपर ग्रीन पेंट लगना है, तो ऊना ग्रीन पेंट की तरफ भागी. उसको, उसने गोट को दिखाया कि मैं ऊना हूँ, मैं ग्रीन पेंट की तरफ हूँ, ठीक है. मीगल पुट हिज हूफ इन द पेंट. हूफ क्या होता है, ये जो एनिमल्स, हॉर्स, जो शीप्स होते हैं, बफेलोज होते हैं, गोट होते हैं, डंकीज होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, और उनके जो पैर में आखिर में वो बिल्कुल पत्थर की तरह उनके जो पैर होते हैं, उसको हूफ कहते हैं, ठीक है. तो वो जो हूफ था, उसने अपना, मीगल ने अपना हूफ रख दिया ग्रीन पेंट में, ठीक है. पुट मतलब रखना. ही पुट अ ग्रीन मार्क ऑन द ऊनाज बैक. और उसने ऊना की कमर पर ग्रीन पेंट लगा दिया. ऊना ने क्या किया, ऊना ग्रीन पेंट की तरफ भागी. ऊना ने बताया कि मेरा कलर तो ग्रीन था, तो मीगल ने उसकी हेल्प की. मीगल ने अपना पैर जो है, अपना हूफ जो है, वो ग्रीन पेंट में डाल के ऊना पर वापस ग्रीन पेंट लगा दिया. ओलान रैन टू द रेड पेंट. ओलान जो है वो भागा रेड पेंट की तरफ. ओलान पे भी रेड पेंट लगा हुआ था, तो इसीलिए वो रेड पेंट की तरफ भाग गया. उससे फिर वो पेंट हट गया, क्योंकि वो फार्मर ने वूल काट लिया. तो लेकिन वो रेड पेंट की तरफ भागा, तो मीगल को पता चल गया कि ये वाला ओलान है. अब मीगल ने फिर उसके ऊपर पेंट लगाना था. मीगल पुट हिज हूफ इन द पेंट. मीगल जो है, उसने अपनी हूफ जो है वो वापस रेड पेंट में डाली. ही पुट अ रेड मार्क ऑन ओलान्स बैक. और उसने ओलान की कमर पर, ओलान की बैक पर रेड पेंट
लगा दिया, रेड मार्क लगा दिया कि ये उलान है। कर्ली रैन टू द पेंट, अब कर्ली जो है वो दोनों पेंट्स के साथ खड़ी हो गई, ठीक है। व्हाट शल आई डू नाउ सेड मीगल, व्हाट शल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। कर्ली का तो, कर्ली के तो बाल कर्ली कर्ली थे इसीलिए वो कर्ली थी, लेकिन उसका तो कोई पेंट कलर नहीं था। अब वो क्या करता था, अब उसके लिए क्या करना है। व्हाट शल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। सेड मीगल, मीगल ने कहा, ही पुट अ रेड मार्क एंड अ ग्रीन मार्क ऑन कर्ली, तो उसने रेड और ग्रीन दोनों को कर्ली की बैक पे लगा दिया। उस पे ओलान पे सिर्फ रेड था, ऊना पे सिर्फ ग्रीन था, लेकिन कर्ली पे रेड भी लगा दिया, ग्रीन भी लगा दिया। बा सेड ऊना, ऊना ने कहा। बा सेड ओलान, ओलान ने भी बा कहा। बा सेड कर्ली, कर्ली ने भी बा कहा। आप भी बकरी की आवाज़ निकालो, शाबाश, शीप की आवाज़ निकालो, शीप की, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बा, मुझे सही से नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, लेकिन आई नो यू कैन डू इट, कम ऑन, शीप की आवाज़ निकालें, ठीक है। मीगल वॉज हैप्पी, मीगल खुश हुई, हैप्पी मीन्स खुश होना, मीगल खुश हुई बिकॉज उसके फ्रेंड्स का उसको पता चल गया। नोट बैड एट ऑल, अभी वो जो गोट था, मीगल था, वो कह रहा था कि इतना बुरा भी नहीं है, नॉट बैड एट ऑल सेड मीगल, मीगल ने कहा। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द स्मार्टनेस, ये एक स्टोरी थी जिसमें हम उनकी जो जहानत है उसके बारे में सीख लेते हैं कि देखो ये शीप्स और गोट ये कितने जहीन हैं। ओके, जस्ट लाइक यू, दे आर इंटेलिजेंट जस्ट लाइक यू ऑल। कमिंग टू द वर्ड मीनिंग्स, गोट ये एक एनिमल है जिसको बकरी कहते हैं। शीप ये एक, ये भी एक एनिमल है, बट इट हैज़ लॉट ऑफ हेयर, और जिससे हमें वुल मिलता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो द उर्दू वर्ड फॉर इट, मे बी अ दुम्बा, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। ओके, मार्क साइन यानी निशान, फार्मर अ पर्सन हु ग्रो एनिमल्स एंड फूड्स, एक ऐसा शख्स जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो और जो हमें फसलें उगाता हो और जो थोड़े बहुत लाइफ स्टॉक भी, जो जानवर हैं उनको भी अपने पास रखता हो ताकि हमें खाना मिल सके। वुल, सॉफ्ट वार्म हेयर ऑफ शीप, ये हेयर ऑफ शीप होते हैं, शीप के बाल होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं, यानी ये बहुत ही नरम होते हैं, और वार्म यानी ये गर्म होते हैं। शॉक्ड, सरप्राइज यानी धचका लगना, हैरान होना। फेंस, शॉर्ट वॉल फॉर स्टॉपिंग एनिमल्स फ्रॉम गोइंग आउट, फेंस एक बाड़ को कहते हैं उर्दू में, एंड इट इज़ अ शॉर्ट वॉल, ये एक छोटी सी पतली सी दीवार होती है जो कि रोकती है एनिमल्स को बाहर जाने से। ओके, जंगला इट इज़ कॉल्ड इन पश्तो, यार्ड एन ओपन एरिया, खुले एरिया को या जो सहन होता है उसको यार्ड कहते हैं। रैन, रन का थर्ड फॉर्म है ये, यानी भाग जाना। पेंट कलर को कहते हैं, यू ऑलरेडी नो इट बिकॉज आई नो यू आर वेरी कलरफुल चिल्ड्रन। हूफ, फीट ऑफ गोट, जो गोट जैसे एनिमल्स होते हैं, जो हॉर्स होते हैं, जो यू नो बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं, इनके जो फीट होते हैं और जो एंड में बिल्कुल पत्थर पत्थर जैसे होते हैं, हैव यू नोटिस्ड, उन उनके स्पैरो को हूफ कहते हैं, राइट। That's a great too. I will give you your activity is कि आपने goat और sheep के दरमियान जो differences हैं, कि goat और sheep एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, ठीक है, क्या sheep कैसी होती है, goat कैसे होता है, इन पर तीन तीन sentences लिखने हैं। फिर आपने उसी page पर अपना नाम लिख के उसकी picture निकाल के school के number पर वापस भेजना है। So this is your activity, grade 2, hope you enjoyed. Until the next real lesson, take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, wash your hands properly and complete your assignment because I'm gonna give you a star on that. Okay? And stay safe. Allah Hafiz, grade 2.